मीरा नगरी मेड़ता सिटी में आगामी 21 से 29 जून तक आयोजित होने वाली संगीतमय रामकथा की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। इसी के क्रम में आज रामकथा के आयोजन के बहुरंगी पोस्टर का विमोचन विश्व प्रसिद्ध मीरा मंदिर परिसर में किया गया। इस मौके पर रामधाम देवल के उत्तराधिकारी महंत रामनिवास शास्त्री, समाज सेवी द्वारिका प्रसाद जाजू, श्याम सुंदर दाधीच मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजन समिति के पूरण उपाध्याय ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि 21 जून से 29 जून तक आयोजित होने वाली संगीत में रामकथा में स्वामी बालभरत महाराज कथा का वाचन करेंगे। वहीं समाज सेवी द्वारिका प्रसाद जाजू ने बताया कि धार्मिक नगरी मेड़ता सिटी में आयोजित होने वाले इस रामकथा की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। इसके साथ ही सफल आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार पुखराज टाक आमजन से भी अपील की है कि धार्मिक कार्यक्रम में आमजन की बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो ये कहना चाहूँगा कि जो मीरा की नगरी मेड़ता में जो ये रामकथा का आयोजन हो रहा है, भाई पूरन जी ने बताया कि 21 तारीख से, तो इससे हमको बहुत खुशी है। पूरा मीरा नगरी को साथ में रह के ये कार्यक्रम को सफल बनाना है और ये आप सभी मीरा की नगरी के जो भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तन मन धन से सहयोग करके इस कथा को सफल बनावें और ऐसे आदमी सामने आके जो कथा करवा रहे हैं इनके साथ पूरे कंधे से कंधे मिला के काम करें। अभिषेक और शिव पार्वती की अर्चना यजमानों द्वारा होगी। इसके बाद दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रामकथा की ये भक्ति गंगा अविरल रूप से बहेगी। कानूनी रूप से होने वाले इस आयोजन में सभी लोगों का सहयोग है और आधिकारिक रूप से लोग कथा श्रवण करें और भगवान की भक्ति की इस मंदाकिनी में गोता लगाएं। जय श्री राम। मैं जो रामकथा 21 तारीख को आरंभ होने वाली है, इस रामकथा का श्रवण करने के लिए मैं मेड़ता की आम जनता से ही अपील करूँगा कि राम, भगवान राम पुरुषोत्तम मर्यादा राम कथा हो रही है, इस कथा का श्रवण करने से ही आपका उद्धार हो सकता है। तो अधिक से अधिक संख्या में इस रामकथा में पधारें और 21 तारीख को जो कलश यात्रा है उस कलश यात्रा में अधिक से अधिक महिलाओं से मेरा निवेदन है और पुरुषों से भी निवेदन है कि इस कलश यात्रा को सफल बनाएँ और ये संदेश दें कि भगवान राम आज भी इस मौजूदा वर्तमान में उनकी इस परिवेक्ष में उनकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए हमें रामकथा में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर और इसको सफल बनाना चाहिए।